अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट। में हूँ मोहम्मद अवैस, मसद करीब मोहम्मद सा मौजूद हैं। शेख साहब से आज हम क्वेश्चन और सवाल करेंगे कि कौन से ख्वाब हैं अगर इंसान को आएँ तो उसको मालूम पता चल सके कि उस पर अगर जादू जिन्नात का या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो रही है, कैसे अल्लाह ताला उसको बताता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, ख्वाब के अंदर खूबसूरत पानी देखना जी। जो कि बड़ा अच्छा साफ शफाफ पानी, अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने शिफा दी थी तो चश्मा पानी का जारी कर दिया था। और इसी तरह ख्वाब के अंदर इंसान सब्ज़ा देखता है जी, हरियाली देख जाए, उसकी तबीर भी अल्लाह ताला ने यानी कि उसे जादू का उसके ऊपर जो असर था वो ख़त्म हो रहा है। इस तरह ख्वाब के अंदर इंसान इबादत कर रहा है तो परवरदिगार आलम जो है उसको कामयाब कर देगा, जादू ख़त्म। इस तरह ख्वाब के अंदर इंसान अगज़ैम के अंदर कामयाब हो रहा है तो ये भी अलामत है। या ये पांचवा ख्वाब ये है कि बंदा अपनी जिस फील्ड के अंदर है उस फील्ड के अंदर जनाब वो मेन चेयर पर बैठ के लोगों को हायर कर रहा है, लोगों को ऑर्डर कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं, जनाब वो बड़ा एक्टिव होकर बैठा हुआ है और हर चीज़ उसकी गिरफ्त में है। ख्वाब में देखते हो जनाब दुनिया उसके आगे पीछे है तो समझो कि उसका असर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ये पांच ख्वाब बड़े ही अहम और कीमती ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से हम अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई होने के बाद डिस्कस किए गए हैं। तो जिसको ये आए तो अब उसने करना क्या है जी। अब सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करें, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करें। शुक्र की शानदार शक्ल यह है कि पांच वक्त का नमाजी पाबंदी से बन जाए। फिर क्या होगा, फिर ये फ़ायदा होगा कि लाइन शक्र तुम लाजीदा ना को, अगर शुक्र करेंगे तो अल्लाह आपको और देगा। माना कि अल्लाह ताला आपकी मुकम्मल हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेगा, शिफा बढ़ती जाएगी और जादू कम होता जाएगा, आपकी गिरफ्त बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक कि मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, अल्लाह ताला जादू से महफूज़ फरमाए। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे।